हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताएंगे अपने फ़ोन के अंदर आप स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें आपके कुछ यूनिक फीचर रहने वाले हैं जिसने आप कॉल को यूज कर सकते हैं। कुछ फीचर ऐसे रहने हैं जिन्हें आप अपने कॉल को बिना अपने कॉल को टच करिए फ़ोन को अपनी कॉल को आप आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटीज़। इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है स्मार्ट मोशन। स्मार्ट मोशन में जाने के बाद यहाँ मिल जाता है स्मार्ट कॉलिंग। स्मार्ट कॉलिंग पर जब जाएंगे तो हमने ये फीचर ऑन कर रखे हैं। यहाँ से हम आपको सारे एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे कौन सा आपको किस काम के आता है। सारे फीचर आपको बता देते हैं। पहला फीचर मिल जाता है आपको स्मार्ट कॉल। स्मार्ट कॉल से क्या होता है, यू कॉन कॉल ए कनेक्टेड बाई पुटिंग द फोन योर ईयर टू। जैसे आपको कोई कॉल लगाई है अपने, उसको अपने फ़ोन जैसे ही आप उठाते हैं और कान के पास जाते हैं तो उसकी फ़ोन आपको ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है और कॉल अटको जो कॉल डिटेल होती है वो सारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है स्मार्ट आंसर। स्मार्ट आंसर में क्या है, अगर आपके पास कोई कॉल आती है आप अपने फ़ोन को बिना स्क्रीन को टच करके सिर्फ फ़ोन को उठा के अपने कान के पास तक ले जाना, आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। सिर्फ जैसे आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं अपनी कॉल को, जैसे यहाँ आपको एनिमेशन में दिखाया जा रहा है, आपको सिंपल आपको अपनी कॉल को फ़ोन को उठा के कान के पास तक ले जाएंगे कॉल आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच में क्या है, जैसे आपके पास कोई कॉल आई आप उसे हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं अपने फ़ोन को, आपको हैंड फ्री को अगर ऑफ़ करना हो तो कैसे करेंगे। आपको ऑफ़ करने के लिए सिर्फ अपने फ़ोन को कान के पास तक ले जाना, आपको हैंड फ्री ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, फ़ोन आपका स्विच हो जाता है रिसीवर पर। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। स्मार्ट म्यूट का फीचर मिल जाता है। स्मार्ट म्यूट से क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कॉल आती है और आपका फ़ोन कहीं टेबल पर वगैरह रखा है तो सिंपली आप उसे इस प्रकार से फ्लिप कर देंगे तो आपकी कॉल म्यूट हो जाती है, बाकी कॉल कनेक्ट नहीं होगी, आपकी कॉल म्यूट हो जाती है फ्लिप करने पर आपकी कॉल स्मार्ट म्यूट। नेक्स्ट फीचर आपको मिल जाता है फ्लिप टू फोन म्यूट इनकमिंग कॉल। अगर आप इनकमिंग कॉल को म्यूट कर देंगे तो उसे फ़ोन को फ्लिप कर देंगे तो आपकी कॉल म्यूट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन की स्मार्ट सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। स्मार्ट टच के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करने के बाद राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाके कॉल सेटिंग में जाएंगे आप। कॉल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको क्योंकि गूगल का डायलर नहीं मिलता है, इसमें आपको वीवो का खुद का डायलर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें आप बहुत सारे कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको ब्लॉक नंबर, अननोन नंबर, इन्हें आप ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक स्पैम अननोन नंबर इसे ऑफ करेंगे। यहाँ से आपको जो भी अननोन नंबर होंगे, आइडेंटिफाई नंबर होंगे, उन्हें आप यहां से ऑफ कर देंगे तो उसकी आपको कोई भी कॉल नहीं आएगी, वो आपके ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे। अगर इसे ऑफ कर देंगे तो यहां से आपको ऑफ कर सकते हैं इसे आप। इसके बाद नीचे आपको ब्लॉक एंड स्पैम का ऑप्शन मिल जाता है। यहां से आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अननोन कॉल ब्लॉक कर देंगे आप यहां से, ओके। इसके बाद अगर अननोन कॉल को ऑफ करना है तो यहीं से आप ऑफ कर देंगे। नीचे आपको स्पैम कॉल, वॉइस पुशिंग कॉल मिल जाती है, एडवर्टाइजिंग कॉल जो आती है, इंश्योरेंस फाइनेंस वाली जो कॉल आती है, वो सारी आप अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो इन्हें फीचर को ऑन करके आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे। अगर आपको कोई पर्सनल नंबर ब्लॉक करना है तो सिंपली हमारे पास कोई पर्सनल नंबर है जो हम ब्लॉक करना चाहते हैं, ब्लॉक लिस्ट पर जाएंगे, यहाँ से आप उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे। प्लस के आइकन पर जाएंगे, यहाँ से उस नंबर को आपको ब्लॉक कर देना है। सिंपली आपको एड मैनुअली पर क्लिक करेंगे और उस नंबर आपको ब्लॉक करना है तो इसे इस प्रकार से आप यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ से इसे ब्लॉक कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पूरा नंबर डालना है तब आप इसे ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से हम इसमें पूरा नंबर नहीं डाल रहे। आप यहाँ से पूरा नंबर ब्लॉक कर सकते हैं और उसका नाम भी आप यहाँ से इंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से आप कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, एक अपने पास से आपको नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ मिल जाते हैं आपको रिजेक्ट इनकमिंग कॉल विद SMS। अगर आपके पास कोई कॉल आती है आप उसे उठा नहीं पाते हैं, कहीं बाइक पे, कार पे या मीटिंग में हो, तो एक मैसेज आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से जो भी आपको चाहिए, जैसे आई एम इन ए मीटिंग आई कॉल लेटर, इसे आपको सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब आपको कोई कॉल आती है और आप उस कॉल को कनेक्ट कर नहीं उठा रिसीव नहीं करती हैं, सिर्फ आपको कॉल को कट कर देती हैं। जब आप उस कॉल को कट कर देंगे तो आपको जो मैसेज आपने सेट किया वो ऑटोमेटिक उसको पहुंच जाता है जो मैसेज आपने सेट किया है। इसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, क्योंकि इसमें गूगल का डायलर नहीं है तो आप बिना नोटिफिकेशन के किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से आपको डोंट रिकॉर्ड है इसे कर देना है, रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ऑल कॉल पर कर देना है, रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली। अगर आपको कस्टम कॉल रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ से जाके कस्टम कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। तो हमें ऑल कॉल रिकॉर्ड कर देंगे, इस पर सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है वाइब्रेट व्हेन द अदर पार्टी आंसर हैंगिंग। इससे क्या होता है, जैसे आपने किसी को कॉल किया है, आपके पास किसी की कॉल आई, तो जब उसे आपको रिसीव करते हैं या कॉल कनेक्ट होती है तब आपके फ़ोन में एक वाइब्रेशन होता है ताकि आपको पता लगे कि हमारी कॉल अब कनेक्ट हो चुकी है।
नीचे आपको स्पीड डायलिंग मिल जाता है, स्पीड डायलिंग में आपको कोई भी एक नंबर सेट कर लेंगे, जैसे आपको नंबर देखने को मिल जाते हैं, वॉइस मेल मिल जाता है, नंबर 2 है, 3, 4, इस पर आपको क्या करना है, हमने 2 पे नंबर सेट कर रखा है अपने फ़ोन में पापा जी का, जब भी आपको डायलर में जाकर 2 नंबर को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तो डायरेक्ट कॉल लग जाएगी पापा जी के लिए, बाकी किसी को कॉल नहीं रहेगी, सिर्फ आपको डायलर में जाकर 2 नंबर जो है उसे आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है। आप जिसकी भी कॉल सेट करेंगे तो इस प्रकार से इस पर टैप 2 ऐड कर देंगे, आपकी कॉल ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, जिसकी भी आपको ऐड कर देंगे वो नंबर आप यहाँ से सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं स्पीड डायल। यहाँ आप मिल जाती है डिस्प्ले इनकमिंग कॉल, जब आपके पास कॉल आती है तो उसे कैसे देखना चाहिए, बैनर में या फुल स्क्रीन, तो हमने फुल स्क्रीन पर कर रखा है। नीचे आ जाएंगे, कॉल वेटिंग और कॉल फॉरवर्ड की ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं, इसकी हमने वीडियो बनाई हुई, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, अगर कॉल वेटिंग की प्रॉब्लम है तो इसे आप यहाँ से ऑन कर सकती हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं वॉइस मेल मिल जाता है, जिसे आपको वॉइस मेल करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से ये थी हमारे फोन की स्मार्ट कॉल सेटिंग की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।